जैन समाज सहित समस्त समाज के पूजनीय एवं आराध्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का विगत लंबे समय से स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने समाधि लेते हुए 3 दिन के उपवास के बाद अपना देह त्याग दिया है। संत श्री के देह त्यागने का समाचार मिलते ही शहर में भी शोक की लहर छा गई, जिसको लेकर जगह जगह आचार्य श्री विद्यासागर जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु पूजन पाठ एवं धार्मिक आयोजनों का सिलसिला जारी था। हालांकि सोमवार अल सुबह करीब 3 बजे देश को एक सूचना प्राप्त हुई। उपरोक्त सूचना से देश में शोक छा गया। सूचना छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्र ग्रह से थी, जिसमें बताया गया कि करोड़ों लोगों के आराध्य आचार्य श्री विद्यासागर जी की समाधि हो गई है। कई लोगों को अपने भगवान रूपी गुरु की समाधि की सूचना पर विश्वास नहीं हो रहा था। पुनः लोगों के द्वारा यहां वहां से जानकारियां जुटाई गई और सूचना सही पाई गई। उपरोक्त सूचना से देश में शोक की लहर छा गई। मध्य प्रदेश सहित देश के प्रधानमंत्री ने शोक संदेश जारी कर मध्य प्रदेश में आधा दिन का राजकीय शोक घोषित किया। रविवार दोपहर जैन परंपरा अनुसार आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के अंतिम संस्कार की क्रिया की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु डोंगरगढ़ चंद्रगिरी पहुंचे और अपने आराध्य भगवान रूपी गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी का अंतिम दर्शन किया और नम आंखों से विदाई दी। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।